गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं डिज्नीलैंड पेरिस। ये हमारा यूरोप ट्रिप का सेकंड डे है। मैं और मेरा दोस्त सुखबीरा जो मेरे साथ है, 3 बार वीज़ा रिजेक्शन के बाद चौथी बार सफलतापूर्वक उसको वीज़ा मिल गया सेनगन। मेरी ये सेकंड ट्रिप है यूरोप के अंदर सेनगन के। पेरिस मैं आ चुका हूँ 2 बार, लेकिन डिज्नीलैंड जाने का मौका नहीं मिला था। तो हम दोनों ने ट्रिप बुक कर ली, इसकी टिकट बाय करी ऑनलाइन, जो कि हमको 102 यूरो पर पर्सन पड़ी। वीकडेज और वीकेंड्स में टिकट रेट डिफरेंट होते हैं। वीकेंड्स के अंदर टिकट के रेट थोड़ा हाई होते हैं, और बेसिकली अभी जून का सीज़न है तो इस टाइम पीक पे है, जितने भी सारे टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। सो टिकट्स काफ़ी कॉस्टली मिलेगी, और होटल्स भी सब कुछ जो है जून के अंदर, क्योंकि बच्चों के छुट्टी वुट्टी होती है, हॉलीडेज होती है। सो हमने टिकट बाय करी और मेट्रो से हम अब सीधा पहुंच गए डिज्नीलैंड पेरिस। एंट्री करी, स्क्रीनिंग हुई, बेसिकली वो आपके टिकट्स देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं उसकी। सो एंट्री करी, आगे चलो हमारे साथ दिखाते हैं आपको डिज्नीलैंड पेरिस और देखते हैं वर्थ है कि नहीं है इसका यहाँ पे जाना। इतना लगभग आपका मोटा मोटा 20,000 रुपये की 2 बंदे की टिकट पड़ गई है, और इसके अलावा आपका अंदर फूड वूड हो गया, ये चीज़ें सब एक्स्ट्रा हैं। पहले हमने एक ओवरव्यू ले लिया, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाई अपनी, दोस्तों वोस्तों को वीडियो कॉल करा कि भाई यहाँ पहुँच गए हैं। एंट्रेंस में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप कसिनो के अंदर आ गए हैं। बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक होती है यहाँ पे, तो हमने थोड़ी फोटोग्राफी भी करी यहाँ पे। तो फिर जैसे एंट्रेंस मेन एंट्री के अंदर आप करते हैं, तो आपने ओवरव्यू लिया थोड़ा, क्या क्या है यहाँ पे, कहाँ पहले जाना चाहिए, और ये सब बेसिकली राइट्स वाइट्स और सारी चीज़ें जो हैं आपको जाके बिल्कुल जेंट्री ऐसी लगेगी। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं और मेरा दोस्त हैं जो इंडियन यहाँ पे घूम रहे हैं, हमको कोई तीसरा इंडियन नहीं दिखा पूरे पेरिस के अंदर, और पर्टिकुलरली जो हमने देखा अपना ये डिज्नीलैंड के अंदर। उसके बाद हमें सामने एक राइड दिख गई, ये सामने जो काफ़ी सारे थिएटर्स बने हुए हैं जो बच्चे होते हैं उनके लिए, टीनेजर्स के लिए, काफ़ी वॉल्ट डिज्नी के और इसके डिज्नीलैंड के काफ़ी अच्छे शोज़ चलते हैं यहाँ पे, रेगुलरली चलते रहते हैं। तो हमारा मन नहीं था थोड़ा देखने का, तो हमने थोड़ा अवॉइड मारा उसको। तो मैंने सोचा थोड़ा बचपन की याद ताज़ा कर ली जाए और राइड्स की तरफ जाया गया। बचपन में अपना पुगर फन एंड फूड विलेज जाते थे, सो राइड की लाइन में लग गए। ये हमारा पहला झूला था, काफ़ी नॉर्मल था, कोई इतना खास नहीं है, जनवन रिव्यू तो यही है। फिर अपना ये झूला झूलने के बाद हम अपना आगे निकल गए अपने सेकंड झूले के लिए। बाकी ये आपका मन दिल खुश हो जाएगा, इतनी अच्छी एंट्री देख के, दुनिया भर से लोग आए हुए होते हैं, और भाई लड़की वड़की सारी सुंदर परी जैसी बिल्कुल। उसके बाद हम चल के पहुँच के रोलर कोस्टर राइड, जो कि हमारा सेकंड झूला था, हम सीधे जाके लाइन में लग गए। हमें सामने मिले 8-10 बंदे ये, लेकिन वो हमारी गलत फहमी थी, असल में वो हैंडीकैप्ड के लिए लाइन थी, विकलांगों के लिए। उसके बाद हमने मेन लाइन देखी तो हमारे आगे कम से कम 500-700 लोग लगे हुए थे। किसी तरीके से करके 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद हमारी अंदर एंट्री हुई, तो काफ़ी क्रेज था इसको राइड को लेने के लिए। दिखने में बड़ा नॉर्मल सा लग रहा झूला ये, और मैं आपको बता दूं इतना आसान है नहीं वैसे, लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं इसकी, क्योंकि आपको दोनों हाथ से पकड़े रहना पड़ता है झूला। सो पूरा जोर आंगा लग जाता है अंदर बैठने के लिए इस पर, तो मैंने थोड़ा गलती करी है कि ये मैंने मोबाइल हाथ में लिया हुआ था। मैडम ने मेरे को मना भी करा कि मोबाइल मत लो, लेकिन कहाँ मानना था, तो मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा, एक हाथ से अपना ये इसका ये पकड़ लिया। उसके बाद जो प्रेशर और ये चीज़ क्रिएट हुआ, मेरे को लगा है तो मैं गिरूँगा या मोबाइल गिरेगा, ना मैं जेब के अंदर मोबाइल डालने का,
और ना ही उससे वीडियो बनाने का। जो भी अंदर वीडियो बन रही है आपको दिख रही होगी, अंधेरे के अंदर ही है। साउंड का थोड़ा इशू है, मैंने सारी म्यूट कर दी है वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर जो वॉइस ओवर देना था उसके लिए ज़्यादा अच्छी एडिटिंग आती नहीं है अभी, तो थोड़े मन के भाव समझो आप। बाकी जो जो कमी पतरी है मेरी वीडियो में सारा नीचे कमेंट करके बता देना भाई। ये सब आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ, इससे पहले मैं लगभग यूके 3 बार जा चुका हूँ, सारे अपने कवर करा हुआ मैंने। बेसिकली मेरा एम है दुनिया घूमना, पूरे जितना सुना है गूगल करके देख, 192 कंट्री आते हैं, तो सारे के सारे मेरे को अपने पासपोर्ट के अंदर चाहिए। देखते हैं भाई, राम की दया रही तो शायद हो जाए ये कवर। बाकी ये खाने की वैन्स हैं इस टाइप की, अंदर दी गई हैं सारी। आपको यहाँ पर ड्रिंक्स मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, आप एंजॉय कर सकते हैं। मौसम मौके ओके है ना, गर्मी है ना सर्दी, आप देख सकते हैं कि जैसे कि सामने बंदे अपने निक्कर के अंदर ही घूम रहे हैं कैप्रीज के अंदर। क्राउड इतना अच्छा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको ना तो थकावट होगी ना कुछ होगी। हमने लगभग इस थीम पार्क के अंदर 10 घंटे बिताए हैं। जैसे कि अपना इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से होता है, शादी ब्याह के अंदर भी हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, जब बारात जाती है सबसे पहले खाने पे टूट के पड़ते हैं। तो वैसे ही हम सुबह 9:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे, पर हमने केवेरा मारते हैं, बड़े बाराती आ रहे हैं यहाँ हमसे ही पहले, हज़ारों लोग थे यहाँ पे 9:30 बजे, और हम लगभग शाम के 6:30 बजे यहाँ से बाहर निकले। पूरा एक एक अपने हिसाब से तो मैंने पूरा कवर करा। ये हमारा 3rd झूला है, जिसमें भी वेटिंग कम से कम हमें 1.25 घंटा लगी, जो आपके दिख रहा है ये ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतना डर वाला नहीं। इससे पहले वाला काफ़ी टफ था, तो इसकी वेट करी हमने, लाइन में लगे रहे, लाइन में लोगों की एक्टिविटीज़ देखी, सामने झूले को देख रहे थे भाई, अलग अलग प्रजाति के लोग दिख रहे थे। प्रजाति तो एक ही है लेकिन स्किन टोन, कलर, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग, काफ़ी मतलब टाइम पास हो रहा था, फर्स्ट क्लास। दो अड़वादी बाढ़क भी थे भाई आगे, इन्हें सारों की बरान माटी कर रखी थी। तो उसके बाद हम जैसे झूले में पहुँचे, अपना राइड लिया, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, मुश्किल से 1 मिनट का होगी राइड जो है। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि या तो क्राउड इतना ज़्यादा है, एक तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और ऊपर से राइड्स आपकी मैक्सिमम आई थिंक 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई भी राइड नहीं है डिज्नीलैंड पेरिस के अंदर। सो इस राइड का एंजॉय लेने का मतलब, बंदा अगर एक बार ही ट्राई कर सकता है, दोबारा उसका नंबर बंदा सोचेगा यार 1 घंटा लाइन में लगने से अच्छा अपना छोड़ दो। जैसे प्रगति मैदान के अंदर होता अपना, तो बिल्कुल एज इट इज़ है। सो बस ये थे भाई, इंडियन है तो राजी हो रहे थे देख के लोग ना, बाहर के विदेशी अंग्रेज ने सुतरी छोरी कन्या जितनी भी सारी दिखा उड़ाए, तो पूरा मज़ा आया, बहुत बढ़िया। खाने वाने में आइसक्रीम वाइसक्रीम खा ली थी, लेकिन बेसिकली आपको जो सैंडविचेस मिलते हैं वो बैकन, हैम और ये सब मिलेगा, चिकन रेयर ही मिलेगा। और वेज में तो आपको भाई साहब मीठा खा के गुजारा करना पड़ेगा, जैसे कि आपके केक्स हो गए, फ्रूट ब्रेड्स होगी, बेसिकली ये वहाँ की स्पेशलिटी है। मैंने तो पूरे यूरोप के अंदर देखा है कि ये हमारी राइड से, ये बड़ी ख़तरनाक राइड है। जैसे अपना झूला शिप वाला होता था वैसे फीलिंग आती है इसके अंदर, बिल्कुल पेट में अपनी गुदगुदी सी होती है। तो इसमें मेरे और मेरा दोस्त का नंबर अलग अलग उसमें आया था, तो जल्दी आ गया था। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो उसके लिए अलग लाइन है, और अगर आप इंडिविजुअली सेपरेट जाते हैं उसमें आपका काफ़ी जल्दी नंबर आ जाएगा। तो एक दूसरे की वीडियो बना ली दोनों भाइयों ने। मेरे दोस्त का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ जाने का, बहुत घबरा रहा था वो, या भाई फंड कर रहा था नाटक, लेकिन लास्ट मार्क उसने कर लिया। बाकी इधर से भाई बाहर निकले तो सामने एक झूला और दिखाई दे रहा हो आपको, अभी तो फ़िलहाल दोबारा इसी झूले पे आ गए वापस। ये मैं अपना आगे बैठा भाई पहले नील ग्रीन टी शर्ट में। सो इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हमने एक दूसरा झूला तराशा, जो कि इसके सामने ही था शायद, नहीं ये हम उस साइड निकल गए। मेरे दोस्त को काफ़ी प्रेशर बन रहा था टॉयलेट का,
तो इधर खाने वाने के लिए काफ़ी सारी शॉप्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सैंडविचेज में वेज नॉन वेज सब की मैं यहाँ पे था, वॉशरूम के लिए गए थे बेसिकली। हाँ, एक और रेस्टरूम्स और ये सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, और जगह जगह पे टैप लगा हुआ है, आपको बस अपनी एक बोतल लानी है, उसे आप रिफिल करके पूरा टूर एंजॉय कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। रेस्टरूम्स अवेलेबल हैं और आपका ड्रिंकिंग वाटर भी सब जगह अवेलेबल है। बेसिकली यूरोप और इन सारे कंट्रीज़ के अंदर दे डू कंज्यूम द टैप वाटर जो कि आपके वॉशरूम्स के अंदर आता है, उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। हम जैसे बंदे जाते हैं थोड़ा बाहर से बिसलरी विसलरी ले लेते हैं, नॉर्मली जो बंदे हैं वहाँ पे अपना बाथरूम और वाला जो टैप वाटर होता है वो यूज़ करता है, काफ़ी फिट है यूज़ करने के लिए वो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सामने हॉलीवुड टावर जो आपको दिखाई दे रहा है, हॉलीवुड टावर होटल, हमने से इग्नोर मार दिया, हमने सोचा नॉर्मल एक होटल है, लेकिन इसका रहस्य मैं बाद में लास्ट में वीडियो दिखाऊंगा। जो कि सबसे बेस्ट जो झूला था वो सिर्फ यही था, इसमें मज़ा आ गया जो आप कहोगे अंत का। सो ये अपना घूमते फिरते दृश्य देखते हुए, बहुत सारे यहाँ मूवीज चलती हैं बच्चों के लिए जो है डिज्नीलैंड की, मिक्की माउस और इन सब चीज़ थीम्स के ऊपर, और रेगुलर इंटरवल्स पे उनके शोज़ हैं, बच्चों के लिए भी बहुत 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 बढ़िया है ये। हाँ, झूले एक दो हो सकते हैं कि शायद ना बच्चों को अलाउ करे झूलने के लिए। तो ये अपना हम घूमते फिरते दृश्य लेते हुए शो देखते हुए अपना, बाकी हमारा सेकंड डे पेरिस के अंदर, कल हम कवर करेंगे एफिल टावर को, परसों हम स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ 2 दिन बिताने के बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे मिलान होते हुए वेनिस। मिलान रुकेंगे नहीं, पहले हम वेनिस जाएंगे, वेनिस का भी आपको पूरा दिखाएंगे। वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट, क्या पूरा गांव है वो, उसके अंदर शहर है बसा हुआ है, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उस पर, बिल्कुल लास्ट में जाके है वेनिजिया में, कुजीना जगह है वहाँ पे, तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे। ये मेरी बोलते हुएगी व्लॉग की तो यार पहली वीडियो है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है भाई, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लाइक वाइक आते हैं कुछ आते हैं तो थोड़ा इनक्रेजमेंट मिलेगी इससे, और अगली इससे और बढ़िया बन जाएगी। बच्चे क्या पैदा होते हुए बच्चों को भी यहाँ पे ला रहे हैं लोग, ये बच्चा अड़बात करता हुआ अपने पापा के साथ। फिर अपना इधर से घूमते हुए हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नज़ारे ही नज़ारे हैं चारों तरफ इधर तो, मतलब टाइम पास पूरा होगा, ना थकावट होगी, ना पैर थकेंगे, ना जी मानने का थकने का। तो अपना घूमते फिरते इसमें हम अपना पहुंच रहे हैं, लास्ट में शायद वैन पे गए थे स्नैक्स को देखने के लिए, और बस देखे थे भाई, खाए तो थे नहीं, समझ नहीं आया कुछ भी, आइसक्रीम 2-3 ज़रूर खा ली थी। पेरिस में एफिल टावर गया हूँ पहले भी, लेकिन मेरे को कोई ऐसा वो नहीं लगा जैसे कि ताजमहल, अपना मोनूमेंट में ज़्यादा रुचि नहीं है। बाकी इस सामने एवेंजर्स वाली मैडम है शायद, जो ऊपर आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये मैडम को करा जूम, एवेंजर्स वाली या अमेरिका, कैप्टन अमेरिका जो आता है, ये भी एक झूला, मैडम को मैंने हेलो करा था, मैडम ने भी ऊपर से हाय कर दिया। ये देखो, फिर हम थोड़ा इधर लेफ्ट मुड़ते हैं तो इधर सामने मेरे ख्याल में कुछ एक शो हो रहा था, तो हम उधर चले गए। ये क्लोथिंग है जो उसकी सारी, कैप्टन अमेरिका और सब चीज़ों की अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत ही कॉस्टली है, बस देखने लायक है ये। हमने इधर देखा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई थी, मेरे दोस्त ने तो बड़ी गंभीरता से देखा। उसके बाद ये भाई साहब युगांडा के कैप्टन अमेरिका हमको फेट गिरा, में थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, इनके साथ भी इनकी वीडियो बना ली। उसके बाद यहाँ से चले, यहाँ एक आगे शो रहा था, कुछ म्यूजिशियन था, पता नहीं कौन था, स्टार वॉर्स के आगे, तो सारी दुनिया देखने में लग रही थी, तो हमने भी सोचा हम भी देख लें भाई, समझ तो कुछ आया नहीं पर वीडियो अच्छी लग रही थी, क्राउड अच्छा था तो कवर कर लिया इसको। ये देखो, बालक ने कुछ समझ नहीं आ रहा पर आठा रहा है ऊपर। ये देखने के बाद थोड़ी वीडियो कैप्चर करी, फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट
जो कि शायद लास्ट ही अपना झूला बचा हुआ है, राइड कह लो इंग्लिश में। ये दिखा देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगी क्या चीज़ है। योगा कर रहे हैं या फिर ये कुछ सॉन्ग या फिर कुछ ऐसे है। उसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कैप्टन अमेरिका का जहाज है ऊपर, ये बाढ़ अपने बापू की पद्दी चढ़ गए, देख रहे हैं कंधे पे। ये ओवरव्यू है सारा जो है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं इसके अंदर यहाँ पे। ये बच्चों के लिए स्टिच लाइव, बच्चों के लिए शो होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े भी देख सकते हैं, पर हमने नहीं देखे एक भी यहाँ पे। मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों के लिए। ये हमारा लास्ट झूला है जो हॉलीवुड होटल करके था। लाइन में लग गए हम, लाइन से घूमते फिरते, अपना जो लाइन आप देख रहे हैं सामने, मतलब सारी दुनिया का क्राउड आया हुआ है डिज्नीलैंड पेरिस के अंदर। ये बार अपनी सेल्फी ले ली, सामने मोनालिसा की फ़ोटो है, डराने के लिए है या फिर कुछ समझाने के लिए। बाकी भाई साहब हम अंदर घुस गए। ये थोड़ा अंधेरा तमराज के लिए वाला एनवायरनमेंट बनाया। ये कुछ टाइम मशीन सब कुछ उन्होंने दिखाया कि जैसे कि हम 100-200 साल पहले जा रहे हैं। ये कवर करते हुए हम अपना लास्ट राइड पे पहुंचते हुए, बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था इस झूले का। वैसे कैप्चर करने में मज़ा आया, कुछ थीम ही अलग थी इसकी। इसको हम छोड़ने वाले थे होटल सोच के, पर ये सबसे बेस्ट था, अल्टीमेट। मतलब एक वैसे हैप्पी एंडिंग नहीं, हैप्पी एंडिंग उस चीज़ की है, ये अच्छी जगह जाने की। बहुत ही औसम था, जैसे आपको सामने दिखेगा फीलिंग इसकी समझ में आएगी। थोड़ी सी कम यूँ आएगी क्योंकि सब बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा दिया। बाकी एक वीडियो मैंने रो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप उसमें सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगी। उसके अंदर चिंगारी चिंगाड़ सब कुछ है इस वीडियो की, जो कि रियल समझ में आएगी। अंदर बैठ गए हम, गलती से फ़ोटो यार बीच में आ गया। ये थोड़ा शॉपिंग एरिया है इनका, थोड़ा वीडियो आगे पीछे होगी भाई, सॉरी। ये है, ये बेसिकली ओवरव्यू करने आया था कि ये इस राइड के अंदर होगा। अपनी बेल्ट बांध लीजिए जैसे ये अपना गाड़ियाँ बांधते हैं। ये छोटी बच्ची आई है हमारे हमें डराने के लिए। ये झूला हम बैठे हैं पूरा का पूरा, ये यहाँ पे 30 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा के सीधा जाता है, और आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ क्या हो गया। फिर ये छोटी सी बच्ची आएगी आपको डराने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। आप देखो कि ये वर्थ है जाना डिज्नीलैंड पेरिस में। मानता हूँ वन टाइम तो है यार, एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा और मन में ये बहम नहीं रहेगा कि नहीं गए। उसके बाद ये शोर पेरिस का ख़त्म होता है और हम इसको देखने के बाद निकल जाते हैं बाहर। लास्ट है टाटा बाय बाय करते हुए इसको, डिज्नीलैंड पेरिस को अपनी वीडियो की भी करते हैं समाप्ति। तो भाइयों वीडियो माड़ी मोटी पसंद आई हो थोड़ी बहुत, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नहीं आई तो कोई करता ही नहीं, कहने को फ़ायदा है नहीं उसमें। बाकी ये है भाई साहब, दुनिया ज़रूर घुमा दूँगा और दिखा दूँगा, ये 100% है। बाय।